देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं आज गुपचुप बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा बड़ा है ना, तो इसको जल्दी बनाना है आपको घर में, तो इसके लिए इसको थोड़ा छोटा कर दीजिएगा कट करके। इस तरह देखिए सिंजने के लिए देने जा रहे हैं, ठीक। जल्दी हो जाएगा, एकदम झटपट हो जाएगा, झटपट गुपचुप खाना है आपको, तीता तीता खट्टा खट्टा, तो एकदम फटाफट घर में इस तरह बनाइए, टेस्टी टेस्टी एकदम मजा लीजिए पूरा फैमिली के साथ। देखिए दोस्तों, जो इमली पानी जो बनाते हैं ना, उसको हल्का सा भूनना है इसको, इसको भून के पहले निकाल देंगे और इसको पाउडर बना के डालेंगे उसमें, जो खट्टी पानी बनेगी। इमली डालिएगा, लाल मिर्चा और जीरा। देखिए दोस्तों, अब ये भुना गया ना पूरा, इसी तरह दिखना चाहिए, पूरा ठंडा हो जाएगा तो पूरा पाउडर बन जाएगा। अच्छा से भूनने से पूरा पाउडर बन जाएगा, जब पीस पीस देंगे ना तो पूरा पाउडर हो जाएगा। और इसके बाद जा रहे हैं हम आलू के लिए चटनी बनाने। देखिए कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, पहले स्वाद अनुसार तेल डालिएगा, उसके बाद लहसुन और मिर्चा। अच्छा से ये पूरा रेड हो जाएगा, उतना देरी तक इसको गर्म करना है इसी तरह। इसी तरह अच्छा तरह इसको बनाना है, ये भी ठंडी हो जाएगी तब इसको भी पूरा पाउडर करना है, तब अच्छा से मिक्स होगा आलू में। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा खाने में स्वादिष्ट लगेगा। देखिए दोस्तों, जो जीरा और मिर्चा भुना हुआ था ना पानी के लिए, इमली पानी के लिए, उसको हम पूरा पाउडर बनाते हैं गिलास में डाल के। अच्छा से कीजिएगा धीरे धीरे ना, तो हो जाएगा पूरा पाउडर। देखिए दोस्तों, जो मिर्चा और जीरा था ना, उसको हम भून के पूरा पाउडर कर लिए हैं। देखिए इसके बाद हम थोड़ा हल्का चाट मसाला है उसको भी डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो फिर ख़राब लगेगा। काला नमक थोड़ा सा दे दीजिएगा और सादा नमक, जितना पानी रहेगा उस स्वाद अनुसार डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसके बाद पानी डालेंगे, और आपको यदि इमली पसंद है तो इमली भी डाल सकते हैं, हम लोग को पसंद नहीं है इसीलिए इमली नहीं डाल रहे हैं, किसी किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, खट्टा पानी खाने से सेहत बिगड़ जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं डालते हैं। जैसा आपका पसंद उसी तरह आप कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पानी डालते हैं, जैसा फैमिली उसी तरह बनाइएगा, छोटा परिवार है तो छोटा जैसा कम या कम कम डालिएगा, बड़ा परिवार है तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। मेरा तो छोटा फैमिली है इसीलिए हम थोड़ा कम डाल दिए। अब देखिए ये कितना अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, जो लहसुन और मिर्चा जो हम भुने थे ना चटनी के लिए, जो गुपचुप में भर के आदमी खाता है ना उसको, देखिए हम उसको कैसे बनाते हैं, पूरा पाउडर बन जाएगा ये। इसके बाद आलू डालेंगे इसमें, फिर चोखा बनाएंगे, उसके बाद आराम से कुछ खाइए। देखिए दोस्तों, हो गया ना पूरा, देखिए अच्छा दिख रहा है ना, इसमें आलू डालेंगे और आलू डालने के बाद चोखा बनाएंगे। देखिए दोस्तों, आलू छील के डालेंगे चटनी के लिए, उसके बाद फिर चटनी बनाएंगे। और हाथ में मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो हाथ फिर जलन होगा हाथ में, क्योंकि इसमें मिर्चा है ना, इसीलिए हम तो गिलास में पूरा मिक्स कर देते हैं। अभी देखिए दिखाते हैं आपको कैसे हम मिक्स करते हैं, उसी तरह आप भी घर में उपाय कीजिएगा उसका, घरेलू उपचार।
देखिए दोस्तों, इसको गिलास में इसी तरह मिक्स करना है, इस तरह हाथ में छुएगा जो लहर होगा ना, जलन होगा, इसीलिए इसी तरह मिक्स कीजिएगा, एकदम पूरा चटनी जैसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा दर्रा दर्रा टाइप का ही रह दीजिएगा, उसमें अच्छा लगेगा भर भर के खाने के लिए। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह अपना घर में बना बना के खाइए, और जो भी चीज़ आपको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वह चीज़ हम बना के आप लोग के पास शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, पूरा तैयार हो गया ना, इसी तरह अपना घर में भी कीजिएगा। हाँ चलिए, तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, गुफ्तु का नहीं वाला, ये बाज़ार का है, घर का नहीं है, बाज़ार से लाए खरीद के, इसी को छानेंगे, और इसी को छानने के बाद बनाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें रिफाइंड डाल रहे हैं, हाँ, गुफ्तु छानने के लिए, उसके बाद फिर गर्म हो जाएगा तब छानिएगा। देखिए ये ठंडा है ना, तो देखते हैं इसको डाल के पूरा ऊपर उठता है कि नहीं उठता है, गर्म हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा ऊपर। देखिए ठंडा है ना, इसलिए नहीं आ रहा है ऊपर, गर्म होगा तब आएगा। जो हम एक पीस डाले थे ना वो वाला, देखिए अभी गर्म हो गया ना, अब कैसा दिख रहा, देखिए एकदम लड्डू जैसा। देखिए इसलिए गर्म हो जाएगा ना तब दीजिएगा, इसके बाद हम देते हैं ज़्यादा। अब देखिए सारा ऊपर आ जाएगा। देखिए इसी तरह, देखिए हो रहा ना अच्छा, और जो जो नहीं फूल रहा है उसको तोड़ के डाल दीजिएगा, तोड़ तोड़ के डाल दीजिएगा इसी तरह, इसी तरह फुग्गा जैसा सारा उड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इतना सारा कर लिया है, कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए अब ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी ना, देखिए जैसे नीचे वाला उठाते हैं हम, देखिए तो इसको फोड़ते हैं, अंगुली यदि नहीं फूटेगा तो इसको ऐसे करके छेद कर दीजिएगा। हाँ देखिए, जितना आपको आलू डालना है इसमें अंदर, उतना भर दीजिएगा। देखिए पूरा भर देते हैं, ठीक है, और इसी तरह पानी डालते हैं। देखिए अच्छा दिख रहा है ना, देखिए इसको पानी डालते हैं। चलिए डुबा देते हैं, खाने वाला तो खाएगा ही ना। चलो चलिए, देखिए अच्छा लग रहा है ना, इसी तरह घर में ट्राई कीजिएगा और इस तरह खाइएगा। और आपका वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी।